नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैंडी स्टॉक्स में दोस्तों अगर आप लोगों के पास एंजल वन या जिरोक्स का डिमेट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप इसी अकाउंट खोल सकते हो और यहाँ से अकाउंट खोलने के बाद आप मेरे टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो वहाँ पे आपको अच्छे स्टॉक्स भी मिलेंगे एट रेगुलर इंटरवल्स में तो नहीं लेकिन धीरे धीरे मिलते जाएंगे ठीक है और यहाँ पे जो डेली रूल्स फॉर ट्रेडिंग है ये इसको जरूर फॉलो करें यह आपकी काम की चीज साबित होगा चलिए सीधा चार्ट चलते हैं सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं देखिए ये अभी तो फिलहाल तो डाउन ट्रेंड पे नहीं है अब तो ये अपसाइड ये ब्रेक दे दिया देखिए ये जो पहले का सपोर्ट था और वो बाद में जब रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस को तोड़ के अपसाइड मूव दिया तो अभी ये यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड मूव दे और यहाँ पे एक नया अभी के फिलहाल के टाइम पे एक नया 18200 के आसपास ये जाके टच करें ठीक है जो भी करेंगे हम मार्केट के साथ चलेंगे लड़ाई नहीं करेंगे अपना फॉल्स नहीं बनाएंगे ठीक है अगर वो नीचे की तरफ आता है रिट्रेस हो के हम उसके साथ नीचे ही चलेंगे अगर ऊपर में जाता है तो ऊपर ही चलेंगे एक छोटा सा लॉस के साथ ठीक है अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में भी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी तो देखिये बैंक निफ्टी में तो शानदार शुरुआत है दोस्तों अभी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको तो यहाँ से ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है फोर्टी टू थाउजेंड लेवल के ये रिट्रेस होके मतलब यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वो अपसाइड मूव दे और एक नया हाई अभी फिलहाल का जो नया हाई ये तैयार करे इतने लंबे समय के बाद ठीक है और यहाँ से नीचे आने का ज्यादा चांस तो है नहीं लेकिन आएगा अभी तो हार्डली फोर्टी टू थाउजेंड लेवल के आसपास तक ही आ सकता है और जहां भी जाएगा हम साथ चलेंगे ओके इक्वली हम लोग चलेंगे और कुछ नहीं अकेला इसके साथ प्रिजम्स फॉल्स प्रशन के साथ नहीं चलेंगे इसके साथ इक्वली हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे या पीछे जहां भी जाए चलेंगे तो हमें पैसे बनेंगे अभी नेक्स्ट चलते हैं इन्फोसिस जो कल का इंटरडियो स्टॉक है ठीक है इन्फोसिस इन्फोसिस में लिया है क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यह यहाँ पे एक चैनल टाइप का बन रहा है और ये कोशिश की थी यहाँ से अपसाइड मूव देने की कोशिश की थी लेकिन बार बार मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वो नीचे की तरफ आया और एक यहाँ पे आ, पुल बैक लिया तो पुल बैक लेने के बाद यहाँ से ज्यादा से ज्यादा लग रहा है पुल बैक लेने के बाद इसको यहाँ पे थर्टीन सिक्सटी वन तक का एक जर्नी कवर करने की है अगर ये जर्नी कवर करता है दोस्तों अगर ये जर्नी कवर करता है तो हमारे यहाँ पे 99 परसेंट चांस से है कल सेलिंग साइड का तो ये यहाँ पे शॉर्ट सेल लेके हम टारगेट लेके चलेंगे शॉर्ट सेल का टारगेट ज्यादा बड़ा है बाई साइड से ठीक है शॉर्ट सेल का टारगेट ज्यादा बड़ा है बाई साइड से और यहाँ से अगर रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ अगर मूव देता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है ज्यादा जाने की फिर भी हम एक छोटा सा टारगेट लेके चल रहे हैं ठीक है और ज्यादा से ज्यादा चांस है नीचे की तरफ ही जाने का तो हम देखते हैं नीचे की तरफ कहाँ तक जाता है हम उसके साथ चलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी नीचे के साइड में कल ज्यादा दिख रहा है इन्फोसिस में तो बने रही है इन्फोसिस में कल अच्छे से ट्रेड कीजिएगा ओके थैंक यू